ये इस साइड पे खड़ी हैं लेडीज बकरे। ओए 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 जोड़ी सोनी है माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज थोड़ा भाई सुबह सुबह उठ गया, तकरीबन 11:30 का टाइम है, मुँह हाथ धो लिया, ये बच्चा चाय पीने का वेट कर रहे हैं। और ऐसे पहले जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चाय पीने के बाद फ़ौरन पर चलेंगे मंडी कि मैंने एक बकरा लेना, देखेंगे को मिलेगा 50-60 हज़ार तक का तो वह लेवेंगे। उसके बाद आवेंगे घर, उसके बाद जाना है कितने वह देखेंगे। मैं चाय पीवा फिर चलो। भाई तरह ने चाय जो पी ली है और इबा निकले हैं मंडी अपनी गाड़ी का डां ड्राइवर आ जाए, नहीं तो गाड़ी साफ भी नहीं है, वो मैली हुई गंदी गाड़ी लेकर पर चलेंगे मंडी से लगावेंगे थोड़ा सा पीछे और फिर आगे चलेंगे पैदल क्योंकि अगर आगे जाके लगाई फिर रेट उन्होंने लगाने अच्छे खासे। इबा चलेंगे गाड़ी में और ये मंडी पहुँच के मिला। A few moments later. यो जी पहले पॉइंट बाबा पहुँच गए और उरे छोटे मोटे बकरे खड़े हैं, तो देखा उरे से के चीज़ है, इनके भी रेट तो इन्होंने गणे ला रखे हैं, कुछ आगे भी बैठे हैं उरे से। तो भाई साहब मैं तो निकला हूँ अब बार भाई से क्या कहना जी, उरे बकरे हैं थोड़े हल्के से, उरे इतना है कि तुम्हें 6,500 में दो बकरे भी मिल जाएंगे लेकिन उनका वेट कम होगा, 35-40 तक होगा जिंदा, मैक्सिमम भी होगा इससे ज़्यादा नहीं। ये बाकी एक दो पॉइंट और लग रहे हैं, चलो जगह और पहुँचे हैं भाई, पूरा बकरे देखा कुछ पसंद आ रहे हैं कि नहीं, खड़े तो गणे हैं, है भी रोड के करीब। यो माल खड़े है जी, इन चाचा का इवन मैं देखा कोई आवे कि नहीं पसंद, खड़े मक्खी चीने हैं सारे। चलो भाई पूरे से भी चला कितने और देखा, रोड पे हर कोई छोटे छोटे पॉइंट ला के बैठे यार, अपने सारे देखने। एक और जगह आए वह ना पीछे देखने लग रहा है, इसमें देखा कि बना है पूरे से भी चला भाई। ओ एक और जगह उतर गया भाई, पूरा देखा बकरे साला दोंदे हैं, क्या रेट सेट क्या है इनके, इसका बता दें उसका बता दें। लो जी एक और जगह पहुंच गया वो, पर वो आगे भी बैठे हैं काफ़ी। एक यो बकरा खूबसूरत है माशाल्लाह, इसका भाई साहब मांग रहे हैं 70, और इसमें देखा है कितने में देवे बकरा जी, वो है सोना इसका मांगने लग रहे हैं 70 ही। वो देखा कि बडेरे के रेट लावेंगे इसका, मन तो क्या 35 का ला दो, 35-40 के बारे में देखो कितने का दें, नहीं तो आगे देख लेंगे, आगे बढ़े हैं मंडी पूरी लगी पड़ी। तो नहीं मान रहे भाई, कह रहा है 70 से 1 रुपया कम नहीं, 18 माह का बकरा है, बकरा खूबसूरत है लेकिन हमारी बकरी छोटी है, तो वह कहें 18 साल का नहीं 16 साल का छोरा चाहिए, तो हम फिर इस वजह से इसने मना कर एक जगह पर और आ गए हैं। पूरा देखा बकरे सोने सोने बकरे खड़े हैं, इनके रेट शेट का पता नहीं के मांगेंगे, वो आगे तक खड़े हैं बकरे सोने खड़े हैं। One eternity later. तो जी अब पहुंच गए घर, हालत देख लो सारे भाई की टोटली खराब, सर फटन लग रहा है, कोई 25-30 जगह हम घूम चुके हैं मंडी में ना, करीब भी कोई समझ में नहीं आ रहा, इतना बकरा अच्छा ज़्यादा। ये जो दोपहर का टाइम हो रहा था, हमने क्या खाना खुना खान कर चला और अब खाना खुना खावाँगे, उसके बाद नहा धो के शाम ने फिर निकलेंगे क्योंकि ये तो भाई हिम्मत जवाब देगी, अब घर जा रहे हैं, सिर्फ मैं गाड़ी लगाऊँ। गाड़ी अपन पार्क करती है, कुत्ते वाली हालत हुई पड़ी है, एक बार गाड़ी के शीशे पर करने लग रहा है क्योंकि गाड़ी का एसी फिर ट्रिप कर गया, इस अपन नहा धोवेंगे खाना खुना खावा थक गए बुरा हाल, उसके बाद फिर दोबारा चलेंगे। लो जी भाई धारा हो गया फ्रेश और ये जा रहा हूँ छत पे, बोले क्यों दोपहर निकले थे तुम एन गर्मी थी टिका के और बुरा हाल था, मैं देख रहे हो पसीने से बुरा हाल था, ये बल्ला मियाँ ने मौसम कर दिया फिट, सारा भाई निकल रहा दोबारा मंडी और मंडी से अपन लेने बकरे, बकरा बकरे नहीं, अच्छा रेट मिलेगा तो दो ले लेंगे, जब मंडी फिर तेज़ हुई तो एक ले लेंगे। मौसम हो रहा है चिल हवा चल रही है, शहजाद से बुला लिया है जो हमारा ड्राइवर है, वाह मैं और भाई जा रहे हैं, अबू से रखेंगे घर मगर छोड़ेंगे तो अबू से घर छोड़ देंगे, गर्मी है बुज़ुर्ग आदमी नहीं निकला जाता भाई, तो दोबारा चलेंगे हम तीन बंदे जाएंगे बकरे लेने दोबारा मंडी। मौसम इतना कोई लेवल होया पड़ा है ना, और ये आरामजादी है कि मैंने ज़ुबान काटनी है जो बोलने नहीं दे रही, कह रही बाबा चलो मैं छत पर आया था मौसम इंजॉय करना, मौसम इंजॉय करता रहेगा ना फिर बकरे हाथ से निकल देंगे, चल बकरे
मंडी जाके मिला। A few moments later. लो जी अब आ गए हैं शशमाई नहर के पास और पूरा भावलपुर की सारे से बड़ी मंडी लगा है बकरे की, रोड के दोनों साइड पे ये पूरे बकरे जितने खड़े हैं ना मैं देखा, इस साइड पे देख लो, दूसरी साइड पे वो पूरा आगे तक ना, ये सारी जगह इतना रश है। लेकिन अब अपने मतलब के ढूंढते फिर रहे हैं, भी बकरे पूरे बहुत हैं, इतने बंदे नहीं हैं जितने बकरे हैं और इतने गाहक नहीं है जितने व्यापारी हैं। टोटल मंडी भरी पड़ी है आवाम से बकरियां से, जोड़ी जोड़ी लेके खड़े हैं, तो रेट इनके मुंह सवाए निकला है 1,00,000। ये जो ये दो सस्ते हैं, ये 60,000 के दो दे रहे हैं। फुल जी आम कुआरी है, लेकिन ये पसीना या गर्मी गुर्मी नहीं लग रही क्योंकि मौसम है अच्छा। बड़ा भाई और सिद्धार्थ रेट लाते फिर रहे हैं और अपा ब्लॉग बनाते फिर रहे हैं। फुल लॉन जी, मंडी का सीन है नहर के ऊपर, और ये चाचे जो पीछे खड़े हैं ना पुलिस वाले उस साइड पर, ये खड़े सिर्फ आवाम में देख रहे हैं कि कौन बकरा लेके जा रहे हैं, राती रात चोरी हो जाए फिर। पूरे जो पीछे है ना नहर, नहर के ऊपर जी खड़ी है आवाम बकरे शकरे लेके, रेट मंडी का टूट गया है और फिर भी बकरा नहीं मिल रहा कोई अच्छा। बड़ी अच्छी लग रही है, क्यों नहीं पता देवेगा कितने की, इसने तेल शेल तो एन लगा रखे सोने माशो। One eternity later. अशाबाश, गेले किसने जाना यो बताओ। अच्छा यार ये बकरे में हैं जो हम पहले देख गए थे, तो गरीब आए हैं दोबारा ईद के करीब क्योंकि मेरे पास उत्तराखंड की जगह नहीं होती, तो इनके माशाल्लाह बकरे अच्छे हैं, हेल्दी हैं, कोई फीड शीट डाले नहीं है, देख रहे हो पीछे मस्तियाँ करने लग रहे। दूसरा ये फिर खुले खुले फिर नाले है। तेरी ए तेरी ए तेरी करिए दोबारा, अरे तैं तो साइड पर हो जा ओ बुरे पुरना, ओए माशाल्लाह भाई, तीनों 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 बैक बेंचर हैं, फुल लड़ाई के मूड में फिर रहे हैं। चल इस टाइम पे भाई जिस जगह मैं फिर रहा हूँ ना, यो भावलपुर की सारे से बड़ी मंडी लगे पूरा शशमाई नहर के करीब, ये एक छोटा नाला जा रहा है तुमने शायद नज़र आ रहा हो पीछे, और इसके बाद दूसरी साइड पे किनारा है जो बड़ी नहर है शशमाई नहर का, 6 महीने चला है 6 महीने बंद रहे क्योंकि 6 महीने पानी आवा कुदरती 6 महीने नहीं आता, तो ये पूरा आप ढूंढते फिर रहे हैं बकरे क्योंकि कल है ईद और ये मौसम ऐसा हो रहा है कि रेट इनका और टूटेगा, बारिश होगी क्योंकि इन्होंने भी लेके निकलने आए और बकरे दे के निकलने वाली करनी है और हमने लेके निकलने वाली करनी, तो देखा हूँ कौन सा पसंद आ रहा है जी। ये बकरा फाइनल हमने करा है जी, इसका 52 kg वेट है और ये अपन पड़ रहा है जी 42,000 का, और फाइनली अपन ने बकरा शकरा ले लिया है थ्रू न्याजी, और ये है काड़ा, इसका वेट है 52 kg और ये मार्केट प्राइस इस टाइम जो इसकी ये बतानी नहीं चाहिए, वैसे मैं बता रहा हूँ अंदाजन कि तकरीबन 50,000 से 55,000 तक की है, लेकिन ये एक दोस्त के हैं तो इस वजह से रायत से भी मिल रहे हैं, और दूसरा ये कि घर के पले हुए हैं, इसमें कोई बकरा ऐसा नहीं है जो फीड वाला हो, तो इसने अल्लाह करेगा अब घर ले जाएंगे, और मौसम हो रहा है फिट बारिश आने वाली, बस अब हम इसने ले कर निकल लगे हैं बाबा चल हाँ बस। भाई फुल भीगण के बाद पहुँच चुके हैं घर बकरा लेकर, बकरा भी बेचारा भीग गया और मेरी हालत भी जो है ना वह बीती हुई सी है, और अब ना फुल भिगे पड़े, इतनी तेज़ बारिश होगी मंडी का जोर शोर सारा कुछ टूट गया, लेकिन अब बकरा ले आए अपनी पसंद का, बैठ के कपड़े बैठ के नहीं ना धो के कपड़े कपड़े चेंज करा, पैसे से सब कुछ भीग चुके हैं जिस तरह मैं भीग रहा हूँ ना भीगी बिल्ली उस तरह सारा कुछ हो चुका है, और मैं ड्राइंग रूम में करने लग रहा हूँ पानी पानी गिराने लग रहा हूँ, एक सबसे पहले मैंने क्या करना नहाना धोना कपड़े चेंज करने उसके बाद मिला वो ढूंढ लो जी कपड़े शपड़े अपने चेंज कर लिए, फुल कसाइयाँ मिल रहा है स्मेल लिया, बकरा उतनी देर से बह करने लग रहा है, ये भी यो असल में बारिश में आया है और बेचारा थोड़ा सा तंग हो गया जितना मैं आया उससे घना तंग ही हो गया, और तो ई बकरा हमारा पीछे खड़ा है और चिखन लग रहा है उस टाइम से ईब जी उरा इबे तक हो रही है बारिश, और अपन ईब क्या करना है अपन ने बकरे से पानी पुनी दे दिया है पट्ठे पुट्ठे ला कर रख दिए हैं ठीक है, इब अपन ने क्या करना है अपन ने करना ब्लॉग एंड, तो चैनल ने सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो, कल फिर मिलेंगे ईद वाले दिन आए और इसने फिर लम्बे पा लेंगे, चलो जी अल्लाह हाफिज़।